इंदौर के एक फैशन डिजाइनर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वो पिछले कुछ समय से तनाव में चल रही थी। बताया जा रहा है कि उसका एक परिचित लगातार उसे परेशान कर रहा था। बुधवार को उसने मिलने भी बुलाया था। उसे मिलकर आने के बाद से वो काफी तनाव में थी। युवक लगातार फोटो वायरल करके बदनाम करने की धमकी दे रहा था। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। टीआई शशिकांत चौरसिया के मुताबिक पिपल्या राव में रहने वाली ममता अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। रात में पिता ने उसे फंदे पर लटके हुए देखा था, जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। ममता ने निजी कॉलेज से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया था। वो इंदौर के एक शोरूम में नौकरी भी करने लगी थी, लेकिन एक माह से मालवीय नगर में रहने वाला विशाल उसे परेशान कर रहा था, जिसके चलते वो नौकरी छोड़कर घर पर रहने लगी थी। पिता जितेंद्र ने बताया कि 1.5 साल पहले उनके परिवार में शादी थी, जहां विशाल निवासी मालवीय नगर का उससे परिचय हुआ था। विशाल ने इसके बाद ममता से दोस्ती की और शादी का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन ममता ने शादी से इनकार कर दिया। बताया जाता है कि ममता को बदनाम करने के लिए किसी और से शादी नहीं करने को लेकर वो धमका रहा था। परिवार के लोगों ने बताया कि बुधवार को ममता को विशाल ने फोटो वायरल करने की धमकी देकर उसे मिलने बुलाया और उसका मोबाइल भी फोड़ दिया। शाम को जब ममता घर पहुंची तो तनाव में थी, जिसके बाद उसने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया है। वहीं पुलिस के मुताबिक अभी सुसाइड नोट नहीं मिला है। पूरे मामले में परिवार के बयान के बाद स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। लड़की का ममता सोलंकी नाम था, उसके साथ उसने फांसी लगा ली। सब उसको लड़का बहुत परेशान करता था। विशाल नाम का लड़का है, मालवीय नगर में रहता है। उसको बहुत परेशान कर रहा था, उसने फांसी लगा ली। रात को खत्म हो गई। 1.5 साल से परेशान कर रहा था वो, नहीं करी। वो कहता मैं रिवॉल्वर मेरे पास, मैं तेरी नानी को खत्म कर दूंगा। तेरी नानी दिन में अकेली रहती है, तेरी माँ अकेली रहती है, तेरी माँ अकेली काम करने जाती है। मेरी छोरी बहुत डर गई थी। पिता पिता जगन्नाथ सिंह गोड़, उम्र 22 साल, निवासी 38 पिपलिया राव इंदौर, ने अपने घर में फांसी लगा, कल रात में फांसी लगा रखी, जिसका पीएम कराया जा रहा है। ये डिजाइनर उसका कोर्स वगैरह कुछ करा था, अभी जानकारी और इकट्ठी करने के क्या।